नमस्कार दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं कि हमने ऑनलाइन टिकट तो बुक करा लिया है, लेकिन जैसे ही हम ट्रेन के अंदर जाते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा या फिर हम कैसे पहचाने कि हमारी जो सीट है वो कौन सी है। तो चलिए मैं आपको आज डिटेल से बता देता हूँ कि आपकी सीट कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने टिकट को देखना है और चेक करना है कि वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि आप ये टिकट है, इसमें देख सकते हो इनकी टिकट पहले से ही कन्फर्म है और इनका कोच नंबर है S6 और इनकी जो सीट नंबर है वो 29 और 30 है, और जो 29 है वो मिडिल बर्थ है और जो 30 है वो अपर बर्थ है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप टिकट बुक कराते हो तो आपकी जो टिकट है वो बैटिंग में रहती है, और चार्ट बनने के बाद अगर आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, या फिर आप PNR नंबर डाल के भी चेक कर सकते हो करंट स्टेटस। अगर आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई सीट नंबर ज़रूर मिल गया होगा, आप चेक कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक फ़ोटो से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे पास एक फ़ोटो है स्लीपर कोच की, और कोच के अंदर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे कुछ इस प्रकार से कंपार्टमेंट बने रहते हैं, जहाँ पर टोटल 8 सीट होती है। 6 सीटें इस साइड होती हैं और 2 सीटें साइड में रहती हैं। चलिए मैं इन सीटों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो नीचे की सीट है इसको लोअर बर्थ बोलते हैं, और जो मिडिल की सीट होती है उसको मिडिल बर्थ बोलते हैं, और जो ऊपर की सीट होती है उसको अपर बर्थ बोलते हैं। उसी प्रकार से आप 3 सीटें सामने की तरफ देख सकते हो, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ। चलिए अब मैं आपको साइड की भी बता देता हूँ। तो ये जो नीचे की तरफ आप सीट देख रहे हो इसको साइड लोअर बर्थ बोलते हैं, और ऊपर वाली को साइड अपर बर्थ बोलते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन पता करना है कि आपकी सीट कौन सी है, तो सबसे पहले वेयर इज माई ट्रेन जो एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इसके बाद से आप कहाँ से और कहाँ तक जाने वाले हो अपनी ट्रेन को सर्च करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आपकी ट्रेन होगी उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप इस एप्लीकेशन से अपनी ट्रेन का लाइव लोकेशन भी देख सकते हो कि आपकी जो ट्रेन है अभी कहाँ तक पहुँची है या फिर कहाँ तक पहुँचने वाली है। बशर्ते रहती है कि आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करके और आपको टुडे, टुमारो या फिर एस्टरडे क्लिक करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद से आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सीट का, जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो ट्रेन है फर्स्ट से लेके और एंड तक दिखाई दे जाएगी, मतलब ट्रेन के जितने भी कोचेस होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका जो कोच है वो S2 में है, तो आपको यहाँ पर S2 में क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप देख सकते हो कि S2 में जितने भी सीट होंगी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपकी S2 में 50 नंबर है, तो आपको यहाँ पर 50 नंबर पे आ जाना। इससे पता चल जाता है कि आपकी जो सीट है वो लोअर बर्थ है, मिडिल बर्थ है या फिर अपर बर्थ है, या फिर साइड लोअर है या फिर साइड अपर है। तो यहाँ पर 50 नंबर में लिखा हुआ है मिडिल, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीट है वो मिडिल बर्थ में है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल से यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अपर बर्थ और लोअर बर्थ लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप साइड लोअर और साइड अपर लिखा हुआ है। तो अगर आपकी टिकट में साइड लोअर है तो इसका मतलब ये है कि आपको साइड वाली सीट मिली हुई है नीचे की, और अगर आपकी टिकट में साइड अपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको ऊपर वाली सीट मिली है, मतलब साइड अपर वाली। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।